नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, या किसी भी स्टेट का या स्टेट का एग्जामिनेशन हो, या आप वहाँ का कोई फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल 100% लाभदायक होने वाले हैं। अगर आप इसको मिस करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है, अगर आप एक क्वेश्चन सही कर देते हैं तो 100 से लेकर हजारों लड़के अंदर हो जाते हैं, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत होते हैं तो आप बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। तो केयरफुली देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन और बेल आइकन दबा कर रखिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अब क्या करने वाले हैं हम? तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व। एक पेन ले लें। अच्छा सर, 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कूट चक्रक पुष्पक्रम का उदाहरण नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। इनमें से वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस का कौन एग्जाम्पल नहीं है या उदाहरण नहीं है? तो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता क्या है, पहले तो ये हम देख लें। तो लेबिएटी, लेबिएटी जो फैमिली है उसमें प्राय देखने को मिलता है। लेबिएटी की फैमिली कौन सी, किस कौन से पौधे आते हैं? तुलसी, और कौन सा आता है? पुदीना। तो यहां देख लेते हैं, ऑसिमम जो दिया है ये इसका बॉटनिकल नेम है तुलसी का। पुदीना, मेंथा को क्या बोलते हैं? तो पुदीना बोलते हैं। और क्या है? कोलियस। ये तीनों हमारे लेबिएटी कुल के पौधे हैं। किसके हैं? लेबिएटी कुल के, यानी इनमें वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। जबकि जो चौथे नंबर का है यूफोर्बिया, यूफोर्बिया में स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, यानी विशिष्ट पुष्प क्रम देखने को मिलता है। और वो कौन सा देखने को मिलता है? तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। कौन सा? साइथियम, जिसे हम प्राय कटोरिया पुष्प के नाम से जानते हैं। और ये कटोरिया वाला जो एग्जाम्पल, ये अभी जो वर्टिसिलेस्टर है इससे क्वेश्चन पूछा था, अभी पीजीटी में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था वर्टिसिलेस्टर से कि वर्टिसिलेस्टर का दूसरा नाम क्या होता है, शायद इस तरह से क्वेश्चन था, या डाइकैसियल साइन दिया था। तो वर्टिसिलेस्टर को डाइकैसियल साइन दिया था। तो ये क्वेश्चन अभी 2021 में पीजीटी में पूछा जा चुका है यूपी में। अच्छा, यूफोर्बिया से जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा पुष्प कम पाया जाता है, साइथियम। तो चूंकि वर्टिसिलेस्टर नहीं पाया जाता है तो वो है यूफोर्बिया नंबर 4। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जो हम फॉर्म डाल रहे हैं उसको बिल्कुल टारगेट के रूप में लें और हम कोशिश पूरी करें कि हमारी ज्वाइनिंग उस एग्जाम में देने के बाद हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, हम अपना 100% ताकत लगाएं, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, और ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे। 3 बैच है, 699 का बैच है। ये ऑफर में सारे जो है ऑफर में है, 3-3, 4-4 हजार के बैच है, ये सब ऑफर में चल रहे हैं। तो इस समय ऑफर में 699 चल रहा है, जो आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कॉम्बो बैच है। और एक है हमारा 1199 का, जो कि टीजीटी और पीजीटी और प्लस ईएलटी के कॉम्बो बैच है। और एक है हमारा 1099 का, जिसमें आपको जीआईसी प्री और आश्रम सॉरी आपका एकलव्य के लिए ये वाला बैच है। इसके साथ आपको मिलेगा क्या क्या? आपको सारी के सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी, नोट्स की पूरी लाइब्रेरी, जिसमें नोट्स कम से कम 1000-1500 पीडीएफ आपको मिलेगी। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट संडे संडे आता है, वो अवेलेबल होगा। इसके अलावा और क्या अवेलेबल होगा? रात में डिस्कशन होता है, वो अवेलेबल होगा। आपकी 100% तैयारी होगी। डॉक्टर नूर्स बायोलॉजी के लगभग 270 मित्र हैं जो विभिन्न स्टेट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज लेक्चरर, एज असिस्टेंट टीचर वर्क कर रहे हैं बायोलॉजी क्षेत्र में। तो आप भी जुड़िए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन श्योर होगा अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हैं। तो चल आगे क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। आपको जानकारी देना था तो सो हमने जानकारी दे दी। तो अब क्वेश्चन
एक और काम करिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है आदि पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, बाह्य दल और दल पुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन ग्रंथ कहलाता है द इलांगेटेड इंटरनोड्स थैलमस और बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला। मान लेते हैं ये हमारा कैलेक्स है, ये हमारे कैलेक्स है और इसका बीच का हिस्सा बढ़ गया और ये हमारे कोरोला है। तो इनके बीच में जो हिस्सा थैलमस बढ़ा तो इसको हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो इसकी हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पहले एक एक को समझ लेते हैं, एंड्रोफोर किसे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएससी, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर और किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जामिनेशन, अगर बायोलॉजी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूछा जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। एंड्रोफोर प्राय किसे कहते हैं? तो एंड्रोफोर क्या होता है? इंटरनोडल इलांगेशन होता है। तो थोड़ा सा इधर लिखेंगे, इंटर नोडल इलांगेशन बिटवीन बिटवीन एंड्रोसियम क्या कोरोला एंड इलांगेशन बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम, यानी कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में जो इंटरनोडल इलांगेशन, इंटरनोड जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसे हम प्राय क्या बोलते हैं? एंड्रोफोर। एंथोफोर क्या बोलते हैं? जब कैलेक्स और कोरोला, ऊपर कर ले थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पीछे आ रहा है, कैलेक्स और कोरोला के बीच में इलांगेशन बढ़ जाता है। तो चूंकि यही उसने पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा देख लो, इलॉन्गेटेड इंटरनोड थैलमस बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला, तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। एंड्रोगाइनोफोर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, जब एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों एक फ्लावर में पाए जाए, जब एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर, गाइनोफोर क्या हो, दोनों फ्लावर में उपस्थित हो, तो एंड्रोगाइनोफोर के नाम से जानते हैं। एक होता है गाइनोफोर, गाइनोफोर क्या होता है? तो गाइनोफोर जो होता है वो क्या होता है? इलांगेशन बिटवीन एंड्रोशियम एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, गाइनोशियम और एंड्रोशियम के बीच में इलांगेशन हो जाए, इंटरनोड बढ़ जाए, तो उसे हम गाइनोफोर के नाम से जानते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता है एंड्रोगाइनोफोर का एग्जाम्पल पूछता है, तो क्लियोम गाइनोड्रा, क्लियोम गाइनोड्रा इसका जो एग्जाम्पल हमने बता दिया। और जो एंथोफोर का है, एंथोफोर किस में पाया जाता है? तो साइलाइन में देखने को मिलता है। एंड्रोफोर किस में पाया जाता है? तो क्लियोम में देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फंसता है। हम आपको 100% ही इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, हवा में चीजें नहीं बताते हैं। और हम वैसे भी आपसे कहते हैं कि अगर आप हमें पढ़ते हैं, अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं या आपने हमारा ऐप का यूज करते हैं, आपने हमारी मेंबरशिप ले रखी है, तो आप सब हमें जानते हैं कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन चीजें ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वही चीजें प्रस्तुत करते हैं जो एग्जाम की तरफ से 100% इम्पॉर्टेंट हो। हम कोई भी मैटर आपके साथ, ऐसा कोई भी मैटर शेयर नहीं करते हैं जो एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण हो, आपको टाइम बात करने का कार्य करें, क्योंकि हमारे पास भी सिलेक्टेड टाइम होता है और तो उस टाइम को हम चाहते हैं कि आपके सामने जो भी प्रस्तुत करें वो 100% इंपॉर्टेंट हो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 आता है, एक संघी पुंकेसर विशेषता होती है। तो एक संघी जो पुंकेसर विशेषता होती है, मोनोडेल्फा सिस्टेमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो मोनोडेल्फा सभी पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है, कई बार बना है। तो मोनोडेल्फस जो अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन है, जो आप जब पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस चैप्टर पढ़ेंगे या पुष्पक्रम पढ़ेंगे, वो चाहे इंटर की बुक से पढ़ रहा हूँ या बीएससी की बुक से पढ़ रहा हूँ, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम, वहाँ अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन दिया है या नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टैमेन, तो वहाँ ये शब्द दिए होंगे मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, तो ये आपको वहाँ शब्दावली देखने को मिलेगी। तो मोनोडेल्फस कंडीशन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें, जो स्टैमेन होता है, स्टैमेन का मतलब जो पुंकेसर होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे फिलामेंट बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि स्टैमेन के कौन कौन से हिस्से होते हैं। दूसरा हमारा होता है एंथर होता है, और ये जो जहां से जुड़ा होता है इसे प्राय कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं?
करेक्ट के नाम से। तो जो अब ये मोनोडेल्फस क्या होता है, तो कुछ पौधों में जो फिलामेंट होते हैं वो आपस में जुड़कर एक पाइप नुमा संरचना बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रायः पाइप नुमा संरचना बना देते हैं, इस तरह से एक पाइप नुमा ये संरचना बना देते हैं। ये बन गया हमारा पाइप नुमा संरचना। ये अब ये क्या होता है, और नीचे ये इस तरह से फ्लावर का हिस्सा कैलेक्स कोरोलर लगे, ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? तो गुड़हल में, कहाँ देखने को मिलती है? गुड़हल में। और गुड़हल का बॉटनिकल नेम क्या? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ऑप्शन 3 को सही करेंगे, मोनोडेल्फस कंडीशन का हमने पिक्चर भी बना दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, पीजीटी में और टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पाइजम। तो पाइजम में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? तो थोड़ा सा किनारे हम आपको लिख के बताते हैं, डाइडेल्फस। कौन सी कंडीशन होती है? डाई ए डेल्फस कंडीशन पाई जाती है। डाइडेल्फस कंडीशन क्या होती है? तो उसमें क्या होता है कि 9+1 का अरेंजमेंट होता है, 9 जो फिलामेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, और ये इस तरह 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 होते हैं, आगे ही लगे रहते हैं और ये एक अलग लगा रहता है। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या कहलाती है? डाइडेल्फस, जो कि मटर में देखने को मिलता है, यानी पैपलियोनेसी कुल के पौधों में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? तो प्राय पैपलियोनेसी कुल के पौधों में हमें ये सब देखने को मिलता है। सीट्रस में, सीट्रस तो आप सब जानते हैं, सीट्रस नींबू को बोलते हैं, नींबू में क्या होता है? पॉलीडेल्फस कंडीशन, पॉली डेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीडेल्फस कंडीशन कहाँ, समझा दें, थोड़ा सा साइड में कर दें, जगह कम है। तो इसमें क्या होते हैं, कई सारे फिलामेंट्स जुड़कर अलग अलग गुच्छे बनाते हैं, फिर इनमें स्टैमेन लगे रहते हैं, तो ये कंडीशन पॉलीडेल्फस कंडीशन कहलाती है। और पॉलीडेल्फस एक वो भी कहलाती है, दो तरह पॉलीडेल्फस होती है, एक पॉलीडेल्फस जब स्वतंत्र होते हैं सारे स्टैमेन तब भी पॉलीडेल्फस बोलते हैं, जब गुच्छों में होते हैं तब भी पॉलीडेल्फस बोलते हैं। पॉलीडेल्फस शब्द का प्रयोग दो जगह करते हैं। सोनकस क्या है? सोनकस प्लांट है जो कि कंपोस्टिक कुल का सदस्य है। चलिए निम्नलिखित देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक विदुर फल का उदाहरण नहीं है? और विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। इनमें से प्राय साइजोकार्पिक फ्रूट्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है? साइजोकार्पिक फ्रूट का, तो साइजोकार्पिक फ्रूट्स की कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो पहले लिख लेते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट्स में कौन कौन आते हैं। साइजोकार्पिक के जो फ्रूट्स में आते हैं, लोमेंटम आता है, लोमेंटम आता है, और कौन आता है? क्रीमोकार्प आता है, क्रीमोकार्प आता है, रेग्मा आता है, रेग्मा आता है, और डबल समारा आता है, डबल समारा आता है। ध्यान रखिएगा, लोमेंटम किसमें पाया जाता है? तो छुई मुई, मिमोसा पुडिका छुई मुई में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? छुई मुई, जिसे मिमोसा पुडिका बोलते हैं। क्रीमोकार्प धनिया आदि में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। रेग्मा किसमें पाया जाता है? कैस्टर में। कैस्टर तो आप सब जानते हैं, आरंडी, आरंडी अंडी के नाम से जानते हैं, आरंडी या कैस्टर के नाम जानते हैं। ब्लास्टा, ब्लास्टा किसमें पाया जाता है? ब्लास्टा, तो ब्लास्टा पाया जाता है फ्लैसी फ्रूट में। ये किसमें पाया जाता है? फ्लैसी फ्रूट में पाया जाता है। फ्लैसी फ्रूट का एक रूप है ब्लास्टा, फ्लैसी फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है अनार। क्या है? अनार। ये किसमें देखने को मिलता है? अनार में। तो ये फ्लैसी फ्रूट्स है। ये जो तीनों आप देख रहे हैं नीचे वाले, ये सारे साइजोकार्पिक फ्रूट है। और उसमें पूछा है जो साइजोकार्पिक फ्रूट ना हो तो ब्लास्टा है। ब्लास्टा कैसा? फ्लैसी फ्रूट है। फ्लैसी फ्रूट के और एग्जाम्पल क्या है? तो यहां लिख लेंगे साइड में, फ्लैसी फ्रूट के एग्जाम्पल क्या है? तो फ्लैसी फ्रूट्स में प्राय ड्रूप आता है, कहता है ड्रूप आता है, बेरी आता है, पोमो आता है, और पेपो आता है, और ब्लास्ट आता है। क्या आता है? ब्लास्ट आता है। ड्रूप में एग्जाम्पल, ड्रूप के बहुत एग्जाम्पल पूछता है, हर पीजीटी टीजीटी में ड्रूप का एग्जाम्पल जरूर पूछता है। तो ड्रूप का जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो या मैंगो देखने को आएगा या कोकोनट। इसके अलावा भी आलमोंड, चेरी, वॉलनट, पाम, ये सब सारे ड्रूप के एग्जाम्पल है। चलिए, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है,
सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होता है? हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? ये किस वैज्ञानिक ने समझाया कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है? ये किसने बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है? ये किसने बताया? तो ये प्राय बताने का काम क्या था, तो एक किया था टर्म सेलुला, ई सेलुला, एक टर्म दिया गया था, ये दिया गया था रॉडोल्फ विर्चो के द्वारा, जिसका मतलब था कि प्रत्येक जो सेल्स होती है अपनी पहले वाली सेल से बनी होती है। तो ये किसने दिया था? रॉडोल्फ विर्चो ने। थियोडोर सॉन क्या थे? तो ये एक जूलॉजिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, ये क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था, खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। तो ऑप्शन हमारा होगा रॉडल्फ विर्चो, जिन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक जो सेल्स होती है वो अपनी पूर्ववर्ती सेल से बनी होती है, यानी अपने पहले वाली सेल से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता है? विच एमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन? इनमें से वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता है? प्रायः सब में यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं या ऐसे भी कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम में क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और इसमें हाइड्रोलाइटिक, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम भरा रहता है। क्या भरा रहता है? हाइड्रोलाइटिक इंजाइम भरा रहता है। राइबोसोम की बात भी करेंगे, जो प्लास्टिड होती है ये डबल मेम्ब्रेनस होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस होती है, दो झिल्लियों वाली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के ऊपर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब आ रहा है राइबोसोम, तो ये क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, अर्थात इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन दो को सही करेंगे, राइबोसोम ऐसी संरचना है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? इनमें से प्राय प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो देखिएगा, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। और प्रोकैरियोट्स किसे बोलते हैं? लैक द न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियस का अभाव होता है, और वो प्राय क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला एल्गी है। क्या है? शैवाल है। और ये किसका सदस्य है? क्लोरोफाइसी का सदस्य है। और क्लोरोफाइसी में सारे यूकैरियोट्स हैं। क्या है? यूकैरियोट्स है, यानी वास्तविक कोशिका वाले। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स है। क्या है? प्रोकैरियोट्स है। नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे प्राय हम किसके नाम जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके? साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी प्रोकैरियोट्स है। तो ऑप्शन इस आधार पर हमारा दूसरा सही होगा। कहता है इनमें से कौन प्रोकैरियोट्स नहीं है, तो तीन प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, आपका पहला बैक्टीरिया है, दूसरा माइकोप्लाज्मा, तीसरा नॉस्टॉक। केवल क्लोरेला एक ऐसा है जो कि यूकैरियोट्स है। तो ऑप्शन हम दो को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। मीजोसोम संबंधित नहीं है, प्राय मीजोसोम किससे संबंधित नहीं है? तो बताएंगे मीजोसोम किससे संबंधित नहीं है। तो मीजोसोम जो है होता क्या है, तो जब आप बैक्टीरिया देखते हैं तो बैक्टीरिया की कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह पर मुड़ जाती है। क्या होती है? जगह जगह पर मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद इस तरह की संरचना बनाती है जिसे हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? तो प्राय हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं, चूंकि जगह जगह से मुड़ी होती है। तो मीजोसोम का कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो एक तो रेस्पिरेशन दिया। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेता है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। तो ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मीजोसोम से संबंधित है, और प्रोटीन सिंथेसिस ये मीजोसोम से दूर दूर तक संबंध नहीं रखती है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से भाग लेते हैं? राइबोसोम भाग लेता है, टीआरएनए भाग लेता है, टीआरएनए भाग लेता है,
एमआर ने भाग लेता है, और कौन भाग लेता है, और राइबोसोम में एसआरएनए आ जाएगा, सॉरी राइबोसोमल आरएनए आ जाएगा, तो ये प्राय भाग देता है। यहाँ मीजोसोम का कोई कारण नहीं है, तो ऑप्शन चार सही है जो कि मीजोसोम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, प्राय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया या पहली बार किसने देखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार जो देखा था के आर पोर्टर ने देखा था। ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है, 2011 में शायद पीजीटी बना था। के आर पोर्टर ने प्राय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। क्लॉड शायद, मुझे लगता है क्लॉड जो संबंधित है वो राइबोसोम से, सी बेंडा और फ्लेमिंग ये आपकी माइटोकांड्रिया संबंधित है, तो ऑप्शन तीन को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इनमें से प्राय वो कौन सा कोशिकांग है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, यही तो बोल रहा है, नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो अर्थात ये प्लांट सेल में पाया जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। गॉल्जी ऑपरेटस, ये प्राय एनिमल में पाया जाता है, एनिमल में, और जो प्लांट के निम्न वर्गीय पौधे हैं उन प्लांट में भी पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है वो केवल एनिमल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है। तो कहता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वो सेंट्रियोल है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन किसको सही करेंगे, तो ऑप्शन दूसरे को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें से वो कौन सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्राय एरोबिक रेस्पिरेशन में सहायता करता है या वायवी श्वसन में मदद करता है। तो प्राय माइटोकांड्रिया है, ध्यान रखिएगा, जो माइटोकांड्रिया है ये प्राय एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें मदद करता है, तो ऑप्शन तीन को सही करें। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटो सिंथेसिस में मदद करता है। राइबोसोम किस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे, लिपिड फॉर्मेशन में और डिटॉक्सिफिकेशन स्टेरॉइड स्टेरॉइड फॉर्मेशन में मदद करता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ तीन सही होगा जो एरोबिक रेस्पिरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जोड़ा जो हमने दिया है वो सही नहीं है, कौन सा जोड़ा नहीं सही है। तो देखिएगा, फ्लूइड मोजिक मॉडल किसने दिया था, फ्लूइड मोजिक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था, बिल्कुल सही है। मूवमेंट वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखिए जो ऑस्मोसिस होता है, परासरण होता है, तो जब आप परासरण पढ़े होंगे तो इसमें होता क्या है, परासरण जो होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा लो कंसंट्रेट से हाई की ओर चलता है, तो इसमें क्या करते हैं, बीच में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, तो ऑप्शन तीन भी सही है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडिस्मेटा पाया जाता है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है पोटेशियम आयन पैसिव ट्रांसपोर्ट संबंधित है, तो पैसिव नहीं एक्टिव से संबंधित है, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, एक जो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है, ये न्यूक्लियोसाइड मेड अप था, देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक टर्म होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब सुगर, ध्यान रखिएगा, जब सुगर से केवल बेस जुड़ा रहता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और जब इससे क्या हो, इसमें अगर हम फास्फेट जोड़ दें तो ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन क्षार जब आपस में जुड़े रहते हैं तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं, अगर तीनों जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो चूंकि न्यूक्लियोसाइड पूछा है, तो ये देखिए ये जो पहला दिया है ये किसका एग्जाम्पल है, तो न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है, दूसरा किसका है, न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल, चूंकि न्यूक्लियोसाइड पूछा तो नंबर दो को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र किस प्रवस्था में माइटोकांड्रिया व हरित लवक का गुणन होता है, कोशिका चक्र के किस अवस्था में। तो देखिएगा, कोशिका चक्र के जो चरण होते हैं वो प्राय कौन कौन से होते हैं, तो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा,
तो पहला चरण होता है G1, ES, G2 और EM फेस। ये चार चरण होते हैं। इस वाले को इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस के नाम से जानते हैं। और ये हमारा डिवीजन फेस होता है। कौन सा फेस होता है? डिवीजन फेस होता है। जो इंटरफेस होता है वो जो G1 है, इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो G1 की टाइमिंग क्या होती है, कितने घंटे में पूरा होता है, तो 12 घंटे में पूरा होता है। आपसे पूछ देता है G2 के यस कितने में पूरा होता है, तो 6 घंटे में पूरा होता है हॉर्स में। और G2 कितने में पूरा होता है, तो 12 घंटे लगते हैं। और यम फेस कितने में पूरा होता है, तो 1 घंटे लगते हैं, इतना समय लगता है। फिर पूछ लेता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, फिर पूछता है कि प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होती है, तो G1 फेस में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और क्या होता है? इंजाइम की सिंथेसिस होती है और एटीपी। यस में क्या होता है? यस में डीएनए की सिंथेसिस होती है। और क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और क्या होता है? सेंट्रियोल का सिंथेसिस होता है। ये कहीं मिलेगा नहीं पढ़ने को, सेंट्रियोल सिंथेसिस होती है यस में। G2 में क्या होता है? तो यहाँ लिख ले, G2 दिया है। G2 में क्या होता है? माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट का। तो ऑप्शन 3 को सही करेंगे, G2 फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में जीन विनिमय होता है? प्राय अर्धसूत्री विभाजन का जो चरण होते हैं, तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस आप पढ़ते हैं। प्रोफेस के भी 5 पार्ट होते हैं। सबसे लंबी अवस्था भी पूछ देता कौन होता है, तो प्रोफेस फर्स्ट होता है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 चरण होते हैं। उसमें से जो पैकेटीन है, पैकेटीन अवस्था में प्राय क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव का दंत सूत्र है, जो वयस्क मानव है उसका प्राय डेंटल फार्मूला क्या है? ये पूछा गया है कि जो वयस्क मनुष्य है उसका प्राय डेंटल फार्मूला क्या है, तो प्राय डेंटल फार्मूला 21-23/21-23×2 ये होता है। तो इसमें कहा दिया, तो ऑप्शन 1 सही है, 21-23, 21-23, ऑप्शन 1 सही कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड। तो जो हमारा सीकम होता है, क्या होता है? सीकम। सीकम में कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पाए जाते हैं, या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ पूछ देता है कि विटामिन कौन सी फॉर्मेट करते हैं, या कौन सी विटामिन का निर्माण करते हैं, तो B12 विटामिन का निर्माण करते हैं सीकम में। तो चूंकि उसने पूछा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सिम्बियोटिक सहजीवी के रूप में किस भाग में रहते हैं, तो प्राय सीकम भाग में रहते हैं, तो ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास सीक्रेट। देखिएगा, या जो पैंक्रियाज होता है, या हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंजाइम का भी श्रावण करती है, और ये और किसका श्रावण करती है, तो ये श्रावण करता है हार्मोन्स का। तो जो इसका एक्सोक्राइन भाग होता है वो एंजाइम का श्रावण करता है, और जो इंडोक्राइन भाग होता है वो किसका श्रावण करता है, तो प्राय इंडोक्राइन जो भाग है वो प्राय श्रावण करता है हार्मोन्स का। तो इंडोक्राइन भाग में जो आते हैं 3 प्रकार के सेल, अल्फा, बीटा और गामा देखने को मिलते हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है। ये 2 मुख्य हार्मोन्स है। तो देखिएगा, इंडोक्राइन पोर्शन पूछा है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, तो ऑप्शन 3 को सही करेंगे। देखिए, पैंक्रियाटिक जूस एक्सोक्राइन भाग से होता है, तो पहला गलत किया, ग्लूकागॉन सही दिया, मगर पैंक्रियाटिक जूस दिया ये भी गलत है। इंसुलिन, ग्लूकेगन और पैंक्रियाटिक जूस लगाया, तो ये भी ऑप्शन क्या सही? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोलिटिक, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, स्रावित करती हैं? विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड? देखिएगा, जो गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं, गैस्ट्रिक जो सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? एक होती है चीफ सेल, दूसरी होती है ऑक्सिनेटिक सेल, और तीसरी होती है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल, इसमें से जो चीफ सेल होती है ये किसका श्रावण करती है, तो चीफ सेल प्राय श्रावण करती है पैप्सिनोजन, 2 हार्मोन्स, 2 एंजाइम करती है। कौन? पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन, रेनिन का श्रावण करती है। ऑर्जिनेटिक जो सेल्स है, ऑर्जिनेटिक सेल्स ये सीएल का श्रावण करती है। म्यूकस सेल प्राय
म्यूकस का श्रावण करती है, तो यहाँ ऑक्सीजनेटिक से लगाएंगे जो कि HCl का श्रावण करती है। सलाइवरी सलाइवा का श्रावण करती है। चीफ सेल किसका श्रावण करती है, तो भी हमने आपको बताया पाइपसिनोजेन और पुरोहिन का श्रावण करती है। तो ऑप्शन चूंकि उसने HCl पूछा तो ऑप्शन हम तीन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है। द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो हमारा श्वसन है, मतलब हम सांस एक समय पर लेते हैं एक समय पर छोड़ते हैं, ये क्रम लगातार चलता रहता है, तो ये रिदम कौन सा मस्तिष्क का भाग कंट्रोल करता है, तो ये प्रायः मेड्यूला रीजन करता है। कौन सा रीजन करता है, तो ये प्रायः हमारा मेड्यूला रीजन है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम जो है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। ये क्वेश्चन अभी पीजीटी में आ चुका है, यूपी में, बॉडी बैलेंस करता है। अक्सर पूछ देते हैं कि जो शराब जब व्यक्ति पीता है तो जब लड़खड़ाता है तो उसका कौन सा भाग इफेक्टेड होता है, तो सेरेबेलम। ध्यान रखिए सेरेब्रम क्या होता है, जो सेरेब्रम होता है सोचने रीजनिंग और लर्निंग मीनिंग स्पीच आदि किससे कंट्रोल होती है, तो सेरेब्रम से कंट्रोल होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।